हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायगोस की से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनोवैज्ञानिक बायगोस की कहाँ के थे? ए जापान के, बी रूस के, सी फ्रांस के, डी चीन के। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक बायगोस की जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया और ये रूस के रहने वाले थे, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर टू है, बायगोस की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में कौन सा पहलू की उपेक्षा होती है? ए भाषाई, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक, डी जैविक। दोस्तों, बायगोसी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है या होती है, जबकि भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक ये तीनों पहलू जो हैं मनोवैज्ञानिक बायगोसी के सिद्धांत के विकास में सम्मिलित हैं। दोस्तों, बायगोसी जी ने बताया कि बच्चे जो हैं भाषा का प्रयोग एक औजार के रूप में करते हैं और भाषा से ही बच्चों में चिंतन आता है। बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक के माध्यम से बौद्धिक अनुकूलन करना सीखते हैं, विश्वास करना सीखते हैं तथा बच्चे जो हैं समाज में रहकर विद्यालय में जाकर अधिगम करते हैं। वाइगोत्स्की जी ने इन तीनों पहलुओं को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, इन तीनों शब्दों को याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होंगे क्योंकि यही वर्ड आपको जो है एक की वर्ड का काम करेंगे, एक की का काम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थ्री है, वाइगोस की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए आनुवांशिक, बी नैतिक, सी शारीरिक, डी सामाजिक। दोस्तों, मैंने बताया था कि आप उन तीन वर्डों को याद रखिएगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड मिला, सामाजिक वर्ड। तो इस कारक को, सामाजिक कारक को जो है बच्चे को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सबसे ज्यादा सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया गया ए बंडूरा द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी वाइगोत्स्की द्वारा। दोस्तों, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का जो प्रत्यय दिया गया वो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया। दोस्तों, ZPD क्या है इसको समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक चिल्ड्रेन है, वो साइकिल चलाना सीखना चाहता है लेकिन सिर्फ वो कैंची चला पा रहा है, गद्दी में बैठकर साइकिल नहीं चला पाता है। तो दोस्तों, इसके लिए वो MKO का सहारा लेता है। इस MKO में दोस्तों पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो यहाँ पर क्या करता है, इस बच्चे को सहारा देता है। एक बार देता है, दो बार देता है, और एक अंत समय ऐसा आ जाता है कि जब बच्चा जो है गद्दी में बैठकर जो है साइकिल चलाना सीख लेता है, अर्थात वो ZPD तक पहुँच जाता है। दोस्तों, बच्चे ने जब स्वतंत्र रूप से अधिगम किया, स्वतंत्र रूप से सीखा, तो ये जो स्तर होता है वो वास्तविक विकास का स्तर होता है। और जब बच्चे ने किसी का सहारा लिया, किसी भी अन्य जानकार का जो बच्चे से अधिक जानकार था उसका सहारा लिया और सहारा लेकर इस जोन तक, इस ZPD तक पहुंच जाता है, तो ये जो है दोस्तों बच्चे का क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। और MKO जो होता है दोस्तों, जो अधिक जानकार होता है, जो अन्य आदमी अधिक जानकार होता है, परमानेंट उसकी सहायता नहीं करता है बल्कि एक अस्थायी रूप में जब तक कि बच्चा सीख नहीं जाता है तब तक वो सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया कि बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा, उसमें अन्य अधिक जानकार ने उसकी सहायता की और वो कहाँ तक पहुँच गया, ZPD तक। ये जो अवस्था होगी दोस्तों वो संभावित विकास की दर होगी। क्वेश्चन नंबर फाइव है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोलरबर्ग, सी जॉन बी वॉटसन, डी लेव वाइगोत्स्की। दोस्तों,
मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की जी ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है ए संतुलन, बी सामाजिक अन्योन क्रिया, सी मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, डी उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होता है वो सामाजिक अन्योन क्रिया होती है। बच्चे जो हैं समाज में रहकर अंतःक्रिया करते हैं, बच्चे जो हैं माँ बाप से सीखते हैं, बच्चे आस पड़ोस से सीखते हैं तथा विद्यालय में जाकर सीखते हैं। ये जो सामाजिक अन्योन क्रिया होती है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक वाइगोत्स्की जी ने माना है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये तत्व की बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। दोस्तों, ये जो तथ्य है वो मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की जी का है। इनके अनुसार बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ए बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, बी बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, सी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, डी बच्चे स्वभाव से बातूनी होते हैं। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जी के अनुसार बच्चे जो हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वाइगोत्स्की जी ने बताया कि बच्चे जो हैं भाषा का जो प्रयोग होता है एक औजार के रूप में करते हैं और भाषा से ही जो है दोस्तों उनके अंदर चिंतन आता है जिसके माध्यम से वे अपने कार्य को दिशा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं ए जब पुनर्वरण प्रदान किया जाता है, बी अनुकरण से, सी परिपक्व होने से, डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की जी ने बच्चों के सीखने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया जिसमें बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खालिस्तान की ओर संकेत करता है ए अनुरूपित शिक्षण, बी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों का पता लगाना, डी सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग जो है वो सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, मान लीजिए ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है दोस्तों, और बच्चा क्या करना चाहता है, साइकिल चलाना सीखता है, लेकिन उसको साइकिल चलाना पूरा आता नहीं है। तो इसके लिए MKO जो मैक्सिमम नॉलेज अदर अन्य अधिक जो जानकार व्यक्ति है वो बच्चे की साइकिल चलाने में सहायता कर देता है और बच्चे को धीरे धीरे साइकिल चलाने का नॉलेज हो जाता है, यानी वो ZPD तक पहुंच जाता है। यानी बच्चा जो है अधिगम करके कहां तक पहुंच जाता है, संभावित विकास की दर तक पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो MKO मैक्सिमम नॉलेज अदर या अन अधिक जानकार जो होता है दोस्तों वो क्या करता है, तो फिर उसकी सहायता करना वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, फिर उसकी वो सहायता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो स्कैफोल्डिंग जो शब्द है वो इसी ओर संकेत करता है कि सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता ए पुनर्वरण, बी व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, सी अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, डी उसके सामाजिक संदर्भ से। दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं ए सहयोगपूर्ण सीखना, बी पारस्परिक शिक्षण, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपने दिया है सी नंबर ऑप्शन तो बिल्कुल सही होगा। बच्चे जो हैं सहयोगपूर्ण सीखते हैं, पारस्परिक शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, सहयोगपूर्ण सीखने में क्या होता है कि एक बच्चा होशियार है, एक कम होशियार है, तो टीचर ने कह दिया कि बेटा उसकी हेल्प कर दो, जो तुम्हें आता है वो बता दो। ठीक है, और दोस्तों पारस्परिक शिक्षण क्या होता है, इसमें छात्र और अध्यापक दोनों मिलकर किसी भी समस्या का समाधान करते हैं और इस समस्या का समाधान करना ही जो है पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। इसलिए दोस्तों ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 13, वायगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि ए यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, बी ए सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है, सी औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, डी यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। दोस्तों वायगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में ये कहा है कि यह जो है सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायगोत्स्की की संस्कृति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, बी प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, सी प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों की आवश्यकता होती है, डी स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। दोस्तों व्यक्तिगत वाक को अंतावाक या प्राइवेट स्पीच भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिगत वाक की संकल्पना स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों को निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की जी ने बताया है कि बच्चे जो है भाषा का प्रयोग जो है एक औजार के रूप में करते हैं और भाषा से ही जो है बच्चों में चिंतन आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वायगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। ए विकास अधिगम का समानार्थक है, बी अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, सी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की जी ने बताया कि विकास की जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी अधिगम जो है सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो आगे हो जाती है और विकास की प्रक्रिया जो है वो पीछे रह जाती है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निजी भाषा शब्दावली का प्रयोग पहली बार खालिस्तान द्वारा किया गया, ए कोहलबर्ग, बी वायगोत्स्की, सी पियाजे, डी एरिक्सन। दोस्तों निजी भाषा आ जाए या प्राइवेट स्पीच आ जाए, इस शब्दावली का जो प्रयोग है पहली बार मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की जी ने किया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की जी ने बताया कि बच्चे जो हैं निजी भाषा का प्रयोग करते हैं और ये जो निजी भाषा होती है उनके कार्यों के निर्देशन के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ खालिस्तान करके बहुत कुछ सीखते हैं, ए मारपीट, बी अनुकरण, सी अंतःक्रिया, डी प्रतियोगिता। दोस्तों मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, ए उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जाता है, बी उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, सी उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, डी एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। दोस्तों निकटवर्ती विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का जो क्षेत्र है वो ये संदर्भित करता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैंने बताया था कि जब कोई बच्चा किसी चीज़ को सीखना चाहता है और उसमें किसी अन्य अधिक जानकार द्वारा उसकी सहायता कर दी जाती है तो बच्चे में और नॉलेज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है दोस्तों? नॉलेज बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वायगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, ए बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, बी व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, डी ज्ञान को सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। दोस्तों वायगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में जो प्रमुख विभिन्नता है वो भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण को लेकर ये प्रमुख विभिन्नता पाई जाती है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो मनोवैज्ञानिक वायगोत्स्की जी का कहना है कि बच्चे जो हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश में रहकर अंतःक्रिया करते हैं जिसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि मनोवैज्ञानिक पियाजे जी के द्वारा यह बताया गया कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा के चिंतन का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि उसका चार चरणों में जो है विकास होता है, और जो चार चरण है दोस्तों वो मैंने आपको जीन पियाजे के सिद्धांत में बताए हैं, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा वायगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, ए सक्रिय अनुकूलन, बी पारस्परिक शिक्षण, सी संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास,
डी अंतर्दृष्टि परिपूर्ण अजगम। दोस्तों मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत पर पारस्परिक शिक्षण जो है वो आधारित है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों पारस्परिक शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर सामूहिक प्रयासों के द्वारा किसी भी समस्या का हल निकालते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।